आदमी कैसे अब कर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमीयत नहीं। माइक वाले आप थोड़ा बेस को बढ़ाइए, इको को बढ़ाइए, बेस को बढ़ाइए। हम लोग डबल मेहनत करते हैं, आपका माइक साथ देगा तो आपका जलसा बन जाएगा। खाता खोल रहा हूँ, पहला पैगाम दे रहा हूँ, मुसलमानों को अपने अमाल की सजा मिल रही है। आप लोग दिल खोल करके सुनिएगा, बेदारी के साथ सुनिएगा। यहाँ आपका मुट्ठी भर बदमा बेदार रहा तो पूरा हिंदुस्तान बेदार होगा। आपको सुनने के लिए तैयार है दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह मुकम्मल बेदारी के साथ आप सुनने में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तीन वजह से आदमी चार चीजों का कोई भरोसा मत कीजिएगा। अजनबी औरत की मोहब्बत का भरोसा मत कीजिएगा। जुआरी जो जुआ खेल रहा है उसकी मालदारी का भरोसा नहीं है, आज लाख पति है कल सात पति हो जाएगा। मतलब की दोस्ती का कोई भरोसा नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानेंगे भी नहीं। जिंदगी का और जवानी का कोई भरोसा नहीं, इस पर भरोसा मत कीजिएगा। दूसरी बात बता रहा हूँ, अगर इस दुनिया में तरक्की करना है तो इल्म हासिल करना होगा। इस दुनिया में तरक्की करना है तो इत्तेहाद हासिल करना होगा। इस दुनिया में तरक्की करनी है तो दौलत हासिल करनी पड़ेगी। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया की तीन नियमत अगर आपको हासिल है तो आप खुश नसीब है, वरना बदनसीब है। उस सेहत आपको मिली है आप खुश नसीब है, आपको फुर्सत मिली है आप खुश नसीब है, घर में भी आपको सुकून मिलता है, घर से बाहर भी सुकून मिलता है, आप खुश नसीब है। मुसलमानों पर पांच मुसीबत टूट रही है, महंगाई बढ़ रही है। 500 रुपए लेकर के मुसलमान जाता है बाजार में, छोला खाली हो जाता, पैसा छोला खाली रहता है, पैसा खत्म हो जाता है। महंगाई ये अल्लाह का अजाब है। दूसरी चीज बीमारी है, घर घर बीमारी है, डॉक्टरों की जेब में हमारा पैसा जा रहा है, ये अल्लाह का अजाब है। घर घर लड़ाई झगड़ा है, हमारा झगड़ा हमारे घर में हल नहीं होता, अदालत में जाकर के हल होता है, ये अल्लाह का अजाब है। हमारा जवान मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट कर जाता है, ये नाइंसाफी ये हादसा अल्लाह का अजाब है। इस मुल्क पर जालिम हुक्मरान हुकूमत कर रहा है, ये अल्लाह का अजाब। चार मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम का सफर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे अमाल की सजा हमको मिल रही है। हम खेती जब करते हैं तो खेती बर्बाद होती है। क्यों बर्बाद होती है? दिल से खौफे खुदा निकल गया और रात भी गुनाह में गुजरता है, दिन भी गुनाह में गुजरता है। उसी तरह देखिए महंगाई, महंगाई क्यों है? हकदार का हक मारा जा रहा है, गरीबों को मायूस किया जा रहा है, इसलिए महंगाई आई है। नेकी की तरफ आदमी नहीं बढ़ रहा है, हराम रोजी घर में आ रही है, एक आदमी कमा रहा है, हराम कमा रहा है, सबको खाना पड़ रहा है, इसलिए सब लोग चौक चौराहे पर आते हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं आते। इंशाल्लाह जुमा जुमा नमाज पर यहाँ आइए, सब रमेला सनीचर को आकर के आप ऐसा सुन पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सलसला इलाका क्या लगेगा, इमारत गिर जाती है, नुकसान होता है, जलजले की वजह बता रहा हूँ। गुनाह का बोझ जब क्षति पर पड़ता है तब जलजला आता है, जिना जब आम होता है तब जलजला आता है, शराब जब आम होती है तब जलजला आता है, गाना बजाना जब आम होता है तब जलजला आता है। जलजला खत्म कैसे होगा आप तौबा कर लीजिए, जलजला कैसे खत्म होगा सब कर लीजिए, जलजला कैसे खत्म होगा नमाज पढ़ लीजिए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। दो भाई कश्ती में सफर कर रहे, कश्ती डूब गई, दोनों डूबने लगे। पीछे जो कश्ती आ रही थी मल्लाह से कहा, अगर दोनों को बचाओगे 200 रुपए मिलेंगे, अगर एक को बचाओगे 100 रुपए मिलेगा। तो उन्होंने एक को बचाया, दूसरे को नहीं बचाया। पूछा गया कि तुम 200 रुपए कमा सकते थे, दोनों को बचा सकते थे, दोनों भाई था डूब रहा था बचा सकते थे, तो कहा तुम पैसा देते या नहीं देते? मैंने जिसको बचाया उसको बचा करके मैं रहता, मैं उसको कभी नहीं बचाता, क्योंकि उसने मुझे जुल्म मेरे ऊपर जुल्म किया था, तो जुल्म मुझे याद था, इसलिए मैं उसे बचा नहीं सकता। मुझे जो इस दुनिया में सजा मिल रही है, हमें जो अपने अमल की सजा मिल रही है, अपने गुनाहों की वजह से सजा मिल रही है। आप तौबा कीजिए, अल्लाह जमजम पानी की तरह पाक साफ फरमा देगा। तौबा करते हैं, हाथ धरा करके अल्लाह से वादा कीजिए, रात के अंधेरे हाथ भाई तौबा करते हैं इंशाल्लाह, हर गुनाह से तौबा करते हैं, रात में मोबाइल देखेंगे हाथ भाई इंशाल्लाह, फिल्म देखेंगे हाथ भाई इंशाल्लाह,
माशाल्लाह पूरी बेदारी के साथ आप सुन ले अल्लाह को जलाए थे खबर हदी तो बेचिस की आई वही जमाना अब आ रहा है जमीन भी तैवर बदल रही है फलक भी आंखें दिखा रहा है खबर हदी तो बेचिस की आई वही जमाना अब आ रहा है हाथ बांधे खड़े सब अपने अपने ख्याल में है इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है पराए माल को अपना समझे हराम को भी हलाल समझे गुनाह करे समझे पता दुनिया में क्या रहा है खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है एक बात मैं आपको रात बता रहा हूँ आप जाहिल है कोई बुराई नहीं लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है ये कमाल है और औलाद को जॉब पे लगा दीजिए सर पे कफन बांध लीजिए पेपर पत्थर रखिए फाका कीजिए लेकिन खुद जाहिल अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने इन चीजों को हासिल करने के बाद आपको कामयाबी मिलेगी हलाल रोजी कमाइए तरक्की होगी दुश्मन से मुकाबला कीजिए तरक्की होगी इल्म हासिल कीजिए आप कुरान का ही बच्चे को पहले हासिल कराइए उसके बाद स्कूल भेजिए वरना वो वसीम रिज़वी बन जाएगा वसीम रिज़वी कैसे वसीम रिज़वी बना उसको सारा इल्म था लेकिन कुरान का इल्म नहीं था कुरान के खिलाफ चला गया हदीस का इल्म नहीं था हदीस के खिलाफ चला गया और अब क्या कहता है मुझे मरने के बाद दफन नहीं करना जलाना इस्लाम से खारिज हो गया पहले बच्चे को कुरान सिखाई पहले बच्चे को उर्दू सिखाई पहले बच्चे को मुसलमान बनाइए बाद में आपको इजाजत है डॉक्टर बनाइए इंजीनियर बनाइए प्रोफेसर बनाइए चल जाए कुरान पांच चीजों का नाम है दस्तरखान है जो चुनना है चुन लीजिए मजबूत रस्सी है अगर आप इसको पकड़ लीजिएगा खुदा तक पहुंच जाएगा नूर है इस नूर के बाद कुफर का अंधेरा छट जाएगा नजात है यहाँ भी नजात मिलेगी वहां भी नजात मिलेगी शिफा है रूहानी बीमारी से शिफा मिल जाएगा इल्म का खजाना है कुरान हाथ आया दुनिया पीछे हो जाए इल्म और माल में क्या फर्क है आपका बच्चा आप माल हासिल कर रहा है इल्म नहीं है इल्म और माल में क्या फर्क है कि माल कारून की मीरास है इल्म नबी की मीरास है माल को कमाना पड़ता है इल्म आदमी को बदलता है माल सबको मिल जाता है इल्म सबको नहीं मिलता माल वाले को लोग भूल जाते हैं लेकिन आलिम को मरने के बाद भूलते नहीं है माल की हिफाजत करनी पड़ती है इल्म आदमी की हिफाजत करता है माल को खर्च करने से घट जाता है लेकिन इल्म खर्च करने से बढ़ता है माल वाले से दो सवाल होंगे इल्म वाले से एक ही सवाल होगा तुमने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया जवाब आएगा जन्नत चला जाएगा माल वाले से दो सवाल होंगे तुमने कहां से कमाया कहां खर्च आपको इज्जत चाहिए अपने को छोटा मान लीजिए आपको राहत चाहिए थोड़े माल को सबर कर लीजिए आपको मालदारी चाहिए आप सबर कीजिए आपको अमन चाहिए कुछ इज्जत में मिलेगा आपको इल्म चाहिए अमल पर करना पड़ेगा दो मिसाल पर पैगाम का सबर कर रहा हूं अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए मेरे मुताला का फायदा फरमाए सामरी कौन था ये नाजायज बच्चा था इसकी मां ने जिना किया था पेट में सामान रह गया समाज के डर से गांव में जाकर के उसे जन्म लिया और छोड़ करके चली आई लेकिन खुदा छोड़ा रही माँ छोड़ करके भाग गई लेकिन खुदा ने छोड़ा रही खुदा ने जिब्रील को भेजा सामने की परवाह जिब्रील ने किया है उंगली में शहद पैदा किया उंगली में दूध पैदा किया उंगली में मक्खन पैदा किया लेकिन जो खुदा के दोस्त की परवरिश में रहा वो खुदा का नाफरमान हो गया दूसरी मिसाल दे रहा हूं आपको मालूम होना चाहिए कि शड्डा कौन था उसकी माँ सफर कर रही है कश्ती टूट गई माँ डूब गई बेटा तैर रहा है अल्लाह ने मौत को हुक्म दिया इस मासूम यतीम को मारना नहीं है तखार करके इसके
किनारे पहुंचाना है। अल्लाह ने चीता को शेर ने हुक्म दिया इसको खाना नहीं है, अपने बच्चे की तरह दूध पिलाना है। जब दूध छुड़ाने का वक्त आया अल्लाह ने जिन्नात को मुसल्लत किया, इसको बोलना सिखाओ, हुकूमत करना सिखाओ। इन तमाम एहसान का इसने कैसे ला दिया खुदा का नाफरमान। आपका बच्चा खुदा को जब तक नहीं पहचानेगा वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। एक मिसाल पर बयान खत्म कर रहा हूं। एक मिसाल पर हमारी बकरी हमारे घर में बती हुई होती है, वो घास खाती है, हम उसे पुकारते हैं, वो घास छोड़ करके हमारी तरफ मौजूद हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? जितने भी बकरी चोर है हाथ जाए माशाल्लाह, कुछ लोग तो मतलब हाथ भाग जाकर सोच रहे कि किसी ने देखा कि नहीं देखा। फिर ध्यान दीजिएगा आपके दिमाग में भी चटोला जा रहा, बकरी है घास खा रही है, मालिक ने पुकारा घास छोड़ के उधर मतलब हो जाती है। हमारा मालिक मस्जिद से सलाह लगाता है हम उधर मतलब नहीं होते, बताइए बकरी से बदतर है कि नहीं है? मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली कि तुमने कश्तियां अंगूठों के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से तीन सौ तेरा चले थे तुम मुसलमानों, माफी की राह पर पलट जाने का वक्त आया। वो बातें वो बातें वो बातें जिनसे कौमे हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सन हटे सीखो नर सीखो, बढ़ाओ तजुर्बे अखलाक दुनिया में सफर सीखो, हवा से खुश्क कर सीखो, उलू में पहरों पर सीखो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़।